हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन सौरभ बेस। तो ये हमारा कंट्रोल सिस्टम का लेक्चर है जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टेट स्पेस एनालिसिस। तो अभी जो ये सेशन है इसमें हम दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। और हम कुछ मैं आपको 11 प्रॉब्लम्स करवाने वाला हूँ रिलेटेड टू टूडेज टॉपिक, और जो हमने कल लेक्चर में देखा था, आपने पढ़ा था, उसके रिलेटेड में ESE के क्वेश्चन लेने वाला हूँ। तो देखो, आज का जो लेक्चर है उसमें सबसे पहले मैं प्रॉब्लम्स लेता हूँ। कल के लेक्चर में जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, कल तक हमने जो भी पढ़ा, उसके रिलेटेड में आज प्रॉब्लम्स लूंगा, फिर उसके बाद हम छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, व्हाट इज कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी, फिर उसको मैथमेटिकली कैसे फाइंड करते हैं, फिर सेशन के एंड में उसके रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स देखेंगे। ओके, तो ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है जो आज कंक्लूड होने वाला है, डेट इज स्टेट स्पेस एनालिसिस। अभी एक चैप्टर बचता है आपका, कंपनसेटर एंड कंट्रोलर्स, जो कि होगा हमारा लास्ट चैप्टर कंट्रोल सिस्टम्स का। उसके बाद आपका कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा फिनिश। ओके, तो आई होप आप सारे स्टूडेंट सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करते रहिए। फिर कंट्रोल सिस्टम जब एंड हो जाएगा और सिग्नलिंग सिस्टम तो आपका चल ही रहा है, फिर हम आगे देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, वो अभी कोई प्री प्लान्ड नहीं है। तो चलो दीपक, फर्स्ट क्वेश्चन दिखाओ, फर्स्ट क्वेश्चन शो करो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा होगा, देखो क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूटेड टू स्टेट स्पेस मॉडल ऑफ अ सिस्टम। मैं पढ़ लेता हूं, फर्स्ट क्या दिया गया है, स्टेट मॉडल इज यूनिक। सेकंड दिया गया है, स्टेट मॉडल कैन बी डिराइव फ्रॉम ट्रांसफर फंक्शन। तो देखो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, कल हमने एग्जांपल देखा था कि हम स्टेट मॉडल को ट्रांसफर फंक्शन से फाइंड कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, तीसरा स्टेटमेंट दिया गया, स्टेट मॉडल कैन बी डिराइव फॉर टाइम वेरिएंट सिस्टम। ये स्टेट स्पेस एनालिसिस की प्रॉपर्टी होती है कि वो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए भी हम मॉडलिंग कर सकते हैं। और स्टेट स्पेस एनालिसिस तो यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन सिर्फ LTI सिस्टम के लिए यूज होता है, लेकिन स्टेट स्पेस मेथड को हम टाइम वेरियंस सिस्टम्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट तो 100% करेक्ट है। आते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, तो स्टेट मॉडल इज यूनिक। तो देखो गिवन सिस्टम के लिए स्टेट मॉडल यूनिक नहीं होता, गिवन सिस्टम के लिए एक से ज्यादा स्टेट मॉडल पॉसिबल है। डिपेंड करता है आप कौन से वेरिएबल्स को स्टेट वेरिएबल्स असाइन कर रहे हो। आई थिंक बात समझ में, गिवन सिस्टम के लिए स्टेट मॉडल यूनिक नहीं होता है क्योंकि ये डिपेंड करता है आप उस सिस्टम में कौन से वेरिएबल्स को स्टेट वेरिएबल्स असाइन कर रहे हो। वेरिएबल्स चेंज कर दोगे आपका स्टेट मॉडल भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, आपका आउटपुट इक्वेशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आई इतनी बात समझ में, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी आएगा इसमें। फर्स्ट में क्या आएगा, ऑप्शन सी। आई इतनी बात समझ में, तो फर्स्ट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू डिस्प्ले कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर टू में देखो, नीचे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला गया है, जरा देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर टू में बोला गया है, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर टू, तो क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला गया है, अ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट इक्वेशन। स्टेट इक्वेशन दिया गया है x डॉट इज इक्वल टू x प्लस bu फॉर्म का, ये दिया गया है x1 डॉट, ये है x2 डॉट इज इक्वल, क्या है, इज इक्वल टू a, यहां पे दिया गया है 2 0 0 2 2 0 0 2, फिर अपना ये बी x1 x2 x1 x2 प्लस ये अपना b। ओके, ये b और ये अपना इनपुट। तो ये हमें स्टेट इक्वेशन दिया गया है x डॉट इज इक्वल टू x प्लस bu फॉर्म में, ये हमारा a मैट्रिक्स, ये हमारा b मैट्रिक्स। तो यहां पे क्या पूछा है, द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम इज, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स पूछा है सिस्टम का। तो हमने देखो कल हमने पढ़ा था यहां पे इसका फॉर्मूला पढ़ा था, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कैसे फाइंड करते हैं, phi of t is equal to Laplace इनवर्स ऑफ si minus a inverse। आई इतनी बात, सबसे पहले हम रिजॉल्वन मैट्रिक्स, ये क्या होता है रिजॉल्वन मैट्रिक्स, रिजॉल्वन मैट्रिक्स हम फाइंड करते हैं, फिर उसका लाप्लास इनवर्स लेते हैं। तो टाइम डोमेन में जो मैट्रिक्स मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपना स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, रिजॉल्वेंट मैट्रिक्स को फाइंड करना। रिजॉल्वेंट मैट्रिक्स को फाइंड करना तो मतलब si माइनस ए का इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें si माइनस ए फाइंड करना पड़ेगा। यहां पे ए देखो क्या दिया गया है, मैट्रिक्स ए यहां पे क्या है, 2 0 0 2 2 0 0 2। अभी चलो हम फाइंड करते हैं si माइनस ए, तो si माइनस ए क्या होगा, ये होगा आपका s, ये आपका होगा s, ये 0 ये 0। ओके, माइनस ए करते हैं तो a यहां पे क्या है, 2 0 0 2 2 0 0 2। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान से देखो, s माइनस 2 0
जीरो एस माइनस टू, एस माइनस टू, ओके ये मेरा हो गया एस आई माइनस ए। अब इसका इनवर्स लो, एस आई माइनस ए का इनवर्स लेंगे तो हमें रिजोल्वन मैट्रिक्स मिलेगा। 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स लेना है सिंपली, कैसे लेंगे 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स, मैंने लेक्चर लास्ट लेक्चर में सिखाया था आपको। सिंपली क्या करो, इसकी डायगोनल एंट्रीज को चेंज कर दो, एस माइनस टू, एस माइनस टू ऑफ डायगोनल एंट्रीज को जीरो कर दो, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट क्या होगा एस माइनस टू स्क्वायर। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स से इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। आई इतनी बात समझ में, इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1 अपॉन एस माइनस टू स्क्वायर को अंदर ले लो तो 1 s - 2 1 s - 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1 अपॉन s - 2, ये 0 ये 0, यहां पे भी बचेगा 1 अपॉन s - 2। तो ये मेरा रिजोल्वन मैट्रिक्स आ गया phi ऑफ s, क्या आ गया phi ऑफ s। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स दैट इज phi ऑफ t। आई इतनी बात समझ में, तो phi ऑफ t क्या होगा, यहां पे देखो ध्यान दो, phi ऑफ t होगा लाप्लास इनवर्स ऑफ phi of s, phi of s, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ, हमें इस मैट्रिक्स का लाप्लास इनवर्स लेना है, दैट इज 1 अपॉन s माइनस 2 0 0 1 अपॉन s माइनस 2। आई इतनी बात समझ में, इसका लाप्लास इनवर्स लेना है मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर जो सारे एलिमेंट्स हैं जिनका लाप उनका लाप्लास इनवर्स लेना है, तो 1 अपॉन s माइनस 2 का लाप्लास इनवर्स क्या होगा, e टू दी पावर 2t, 0 का 0, इसका 0 का 0, इसका क्या होगा e टू दी पावर 2t। तो ये हमें मिल गया फाइनली स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, हमें क्या मिला स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। आई इतनी बात समझ में, ये हमें मिल गया स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो ऐसे आपको सिंपली फाइंड करना है, ओके समझ में आई इतनी बात। तो चलो देखो, हमें ऐसे ही स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड करना होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, रिजोल्वन मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। रिजोल्वन मैट्रिक्स एक बार फाइंड किया, उसका इनवर्स लेंगे, ओ सॉरी रिजोल्वन मैट्रिक्स हमने फाइंड किया, कैसे फाइंड किया, एस आई माइनस ए फाइंड किया, फिर उसका इनवर्स लिया तो phi ऑफ s मिला, फिर phi ऑफ s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स मिल जाएगा, दैट इज phi ऑफ t। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मुझे बताइए, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका, क्या होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आई इतनी बात समझ में, चलो तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। अभी चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्प्ले कीजिए जरा। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट्स में आपको बताते चलूंगा कैसे कैसे आपको अप्लाई करने हैं। आई इतनी बात समझ में, चलो ठीक है ओके आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हमें करना है। तो ठीक है आगे हम प्रोसीड करेंगे और चीजों को समझेंगे कैसे हमें आगे प्रोसीड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको नीचे दिख रहा होगा, मार्कर चेंज करूंगा। क्वेश्चन नंबर थ्री में आगे प्रोसीड करो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, द सेकंड ऑर्डर सिस्टम x डॉट इज इक्वल टू x वेयर a, a यहां पे दिया गया है, a यहां पे दिया गया है, a -1 -1 -1 0 -1 -1 1 0, द वैल्यूज ऑफ इट डैम्पिंग फैक्टर नहीं, जीटा को बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो, इसने गलत लिखा है, हमें जीटा फाइंड करना है एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन आर रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या फाइंड करना है, जीटा फाइंड करना है एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम यहां पे देखेंगे। तो एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है जिसका क्या दिया गया है, स्टेट मैट्रिक्स दिया गया है ए, उसका हमें डैम्पिंग रेशियो एंड अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन फाइंड करनी है। तो हमें पता है डैम्पिंग रेशियो और ओमेगा एन अगर हमें फाइंड करना है तो सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे अगर स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, यहां पे स्टेट मैट्रिक्स ए दिया गया है, इसमें से कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हम कैसे डिराइव करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो यहां पे ध्यान दो। अगर स्टेट मैट्रिक्स आपको पता है या सिस्टम मैट्रिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं ऐसे, कैसे, पहले एस आई माइनस ए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, फिर उसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो सेट करेंगे, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसके रूट्स क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, पोल्स ऑफ द सिस्टम। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मेरे पास किसी सिस्टम का स्टेट स्पेस मॉडल दिया गया है तो मैं उसमें से मैट्रिक्स ए का यूज करके सिस्टम के पोल्स भी फाइंड कर सकता हूं। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पोल्स मिल जाएंगे। आई इतनी बात समझ में। तो चलो हम पहले क्या निकालते हैं, एस आई माइनस ए, तो एस आई माइनस ए देखो क्या होगा, एस आई माइनस ए आपका डायरेक्ट मैं यहां पे लिख देता हूं क्या होगा, देखो एस आई क्या होगा, एस एस जीरो जीरो, माइनस ए देखो ए यहां पे क्या होगा, -1 -1 1 0,
ओके ये हो गया एस आई माइनस ए, एस आई माइनस ए किसके बराबर आएगा, ध्यान दो एस आई माइनस ए बराबर होगा एस प्लस वन, एस प्लस वन वन, एस प्लस वन वन माइनस वन एस माइनस वन एस, ये मेरा हो गया एस माइनस माइनस एस प्लस वन वन माइनस वन एस, ये मेरा हो गया एस आई माइनस ए, क्या आ गया एस आई माइनस ए, ओके एस आई माइनस ए हो गया। अभी इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और इसको इज इक्वल टू जीरो सेट करेंगे तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगा। लो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, एस प्लस वन वन माइनस वन एस इज इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा डिटर्मिनेंट, देखो एस टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का सिंपली डिटर्मिनेंट फाइंड करना, तो पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा एस स्क्वायर प्लस एस माइनस करो ऑफ डायगोनल एंट्रीज के मल्टीप्लीकेशन को माइनस वन इंटू माइनस वन, ये जाएगा प्लस वन, क्या हो जाएगा प्लस वन। अभी हमें इसको सॉल्व करोगे तो आपको सिस्टम के पोल्स मिल जाएंगे, लेकिन हमें पोल्स नहीं फाइंड करने हैं, हमें जीटा और ओमेगा एन फाइंड करना है। तो हमें सेकंड ऑर्डर सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल चुका है, इसको स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करो तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें जीटा और ओमेगा एन मिल जाएगा। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ओमेगा एन स्क्वायर कितना होगा, ओमेगा एन स्क्वायर आपका होगा वन, तो ओमेगा एन क्या होगा आपका वन होगा। टू जीटा ओमेगा एन किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, इसका मतलब जीटा क्या होगा 1 बाय टू, क्योंकि ओमेगा एन क्या है यहाँ पे 1 है, तो जीटा हमें मिला 1 बाय टू और ओमेगा एन हमें मिला 1। आई इतनी बात समझ में आ गया। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, अगर स्टेट स्पेस मॉडल दिया गया है आपसे पूछ रहा है कि डैम्पिंग रेशियो फाइंड करो, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का स्टेट स्पेस मॉडल दिया गया है आपको पूछ रहा है डैम्पिंग रेशियो फाइंड करो, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, ओके, या डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, नो डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस भी पूछ सकता है, जो हम निकालते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, वो भी आप फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक बार फाइंड कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, पहले एस आई माइनस ए वाला मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो सेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगा। और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमें सिस्टम के पोल्स भी मिल जाएंगे, जो दो कॉम्प्लेक्स पोल्स आएंगे राइट हाफ प्लेन में आप फाइंड कर सकते हो। आई इतनी बात समझ में, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जिसमें दिया गया है कि जीटा फाइव 0.5 है और ओमेगा एन क्या है 1 है, तो ऑप्शन क्या आएगा अपना, बी आएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर, ओके अभी दीपक जी क्वेश्चन नंबर 4 शो कीजिए। ओके क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके रिलेटेड मैंने आपको जो भी देखो मैं अभी तक पढ़ाया हूं उसके रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 तो आपसे देख के ही बन जाना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन 4 हमने कल किया था इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं ईएससी के क्वेश्चन ले रहा हूं, आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी से ही ईएससी में क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते है, ओके? तो क्वेश्चन नंबर 4 हम यहां पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला है, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सर्टेन सिस्टम इज, ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है y ऑफ s डिवाइड बाय u ऑफ s इज इक्वल टू 1 अपॉन s टू द पावर 4 प्लस 5 इनटू s क्यूब प्लस 7s स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ओके 6x प्लस 3। द ए बी मैट्रिक्स पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट स्टेट स्पेस मॉडल इज, हमें मैट्रिक्स ए फाइंड करना है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी फाइंड करना है स्टेट स्पेस मॉडल का। आई इतनी बात समझ में, और हम देखेंगे मैट्रिक्स सी क्या होता है, चलो मैट्रिक्स सी भी हम यहां पे निकाल देंगे, अपने अटेम्प्ट करेंगे मैट्रिक्स सी को निकालने के लिए, क्या हम फाइंड कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ओके तो देखो इस प्रॉब्लम को मैं यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं, यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह बात पता होनी चाहिए, लास्ट अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा कि अगर ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है तो हम स्टेट स्पेस मॉडल में कैसे जाते हैं, ये वाला कन्वर्जन फॉर्मूला यूज करके, डेट इज एस टू द पावर एन इज इक्वल टू एक्स डॉट बेस में लग जाएगा क्या एन। और एक बात और आपको याद होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस सिस्टम के लिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स कितने चाहिए, तो यहां पे सिस्टम का और ट्रांसफर फंक्शन, इस सिस्टम का ऑर्डर क्या है, इट इज फोर्थ ऑर्डर सिस्टम, ये क्या है फोर्थ ऑर्डर सिस्टम, तो यहां पे 4 वेरिएबल्स हमें चाहिए कंप्लीट स्टेट स्पेस मॉडल बनाने के लिए। आई इतनी बात समझ में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर एन इज इक्वल टू 0 एस टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, डेट इज इक्वल टू एक्स डॉट 0 ये क्या होगा एक्स 1, ओके फिर क्या लिखेंगे एस टू द पावर 1 इज इक्वल टू, इसको इससे हम क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे, इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, तो इक्वल लिखो या ठीक है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इक्वल यहां पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके एस टू दी पावर 1 को किससे रिप्लेस करेंगे, एस टू दी पावर 1 को हम रिप्लेस करेंगे एक्स डॉट 1 से, मीन्स एक्स 1 का डेरिवेटिव लेंगे एक बार, उसको हम बोलते हैं
एक्स टू, क्या बोलते हैं एक्स टू, फिर एस टू लिखेंगे हम एक्स फोर तक जाएंगे क्योंकि हमें फोर स्टेट वेरिएबल्स लेने हैं, तो हम एक्स फोर तक जाएंगे, तो ये क्या होगा एक्स टू डॉट, और ये किसके बराबर होगा एक्स थ्री के बराबर, एस थ्री क्या होगा एक्स थ्री डॉट, ये किसके बराबर होगा एक्स फोर के बराबर, एस फोर किसके बराबर होगा एक्स फोर डॉट, लेकिन एक्स फोर डॉट को इज इक्वल टू हम एक्स फाइव नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कितने स्टेट वेरिएबल्स चाहिए, चार स्टेट वेरिएबल्स चाहिए जो कि हमारे पास मिल गए, एक दो तीन चार, चार स्टेट वेरिएबल आ गए। अभी अगर स्टेट स्पेस मॉडल बनाना है तो इन स्टेट वेरिएबल्स के इनके डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, तो एक इक्वेशन तो हमें मिल गया, देखो एक इक्वेशन हमें मिल गया एक्स वन डॉट इज इक्वल टू एक्स टू, ये एक इक्वेशन मिला, दूसरा मिला एक्स टू डॉट इज इक्वल टू एक्स थ्री, ये दूसरा इक्वेशन मिला, आई इतनी बात समझ में, तीसरा इक्वेशन हमें क्या मिला, तीसरा इक्वेशन मिला एक्स थ्री डॉट इज इक्वल टू एक्स फोर, एक्स थ्री डॉट इज इक्वल टू एक्स फोर, ओके। अभी चौथा इक्वेशन फाइंड करेंगे एक्स फोर डॉट एक्स डॉट फोर के फॉर्म में, वो हम यहां से फाइंड कर सकते हैं, आई इतनी बात समझ में, तो हम इन दोनों इसके देखो कि यहाँ पे y of s divided by u of s is equal to 1 divided by s to the power 4 plus 5 square plus 7 square plus 6x plus 3, इस टाइप का अगर ट्रांसफर फंक्शन दिया हो तो हमने कल के लेक्चर में देखा था कैसे ट्रांसफर फंक्शन हम डिराइव करते हैं, सॉरी स्टेट स्पेस मॉडल कैसे डिराइव करते हैं, हम क्या करेंगे इसके न्यूमरेटर को इसके न्यूमरेटर के इक्वेट कर देंगे, इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर को इक्वेट कर देंगे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं y of s is equal to 1 और u of s is equal to u of s is equal to s to the power 4 plus 5s cube plus 5s cube plus 7s square plus 6s plus 3, आई इतनी बात समझ में, ओके। अभी देखो यहां पे टाइम डोमेन में जब हम स्टेट वेरिएबल्स को यहां पे लिखेंगे, s को स्टेट वेरिएबल से सब्सिट्यूट करेंगे तो u of s क्या हो जाएगा टाइम डोमेन में, तो इसको हम क्या लिखेंगे u of t is equal to, देखो अभी देखो हमारा टारगेट क्या है, x1 डॉट मिल गया x2 के फॉर्म में, x2 डॉट मिल गया x3 के फॉर्म में, x3 डॉट x4 के फॉर्म में मिल गया, मतलब x1 x2 x3 जो स्टेट वेरिएबल्स हैं इनके डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल गए, अभी कौन सा वेरिएबल बचा x4 डॉट को हमें डिफरेंशियल वेरिएबल के फॉर्म में बनाना है, तो कोई स्टूडेंट अगर ऐसा सोचेगा कि x.4 को इज इक्वल टू x5 लिख दूं तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम यहां पे सिर्फ चार वेरिएबल चार स्टेट वेरिएबल्स ही लेने हैं, पांच स्टेट वेरिएबल नहीं ले सकते, x4 डॉट का इक्वेशन इस इक्वेशन की हेल्प से हम बना देंगे, तो यहां पे देखो इसको हम अभी यहां पे क्या लिख रहे हैं स्टेट वेरिएबल के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसका s को टाइम डोमेन में लिख दिया, s टू द पावर 4 को हम किससे रिप्लेस करेंगे x4 डॉट से, किससे x4 डॉट से, प्लस 5 इंटू एक्स क्यूब क्या होगा एक्स क्यूब हमारा होगा x4, अभी क्या होगा x4 प्लस 7 एस स्क्वायर क्या होगा x3 प्लस 6 x क्या होगा x2 प्लस 3 x टू दी पावर एस टू दी पावर 0, इसका ऐसा बोल सकते हैं एस टू दी पावर 0, ये क्या होगा x1, ये क्या होगा x1, तो यहां से देखो x4 कैसे लिख सकते हैं x4 डॉट इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं ना, इन सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो क्या लिख सकते हैं माइनस 3x1 माइनस 3x1 माइनस 6x2 माइनस 7x3 माइनस 5x4 माइनस 5x4 प्लस x4 डॉट प्लस x4 ओ सॉरी x4 डॉट तो हमें चाहिए ओके प्लस क्या आएगा u ऑफ t प्लस u ऑफ t, तो हमें मिल गया x4 डॉट, ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ नहीं ये होगा अपना थर्ड इक्वेशन, ये बनेगा फोर्थ इक्वेशन, ये क्या बना फोर्थ इक्वेशन। अभी लास्ट इक्वेशन लिखते हैं आउटपुट का, तो आउटपुट को भी इन टाइम डोमेन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा y of t is equal to 1, 1 यहां पे किसके बराबर होगा 1 को किससे रिप्लेस करना है x1 से, किससे x1 से, तो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 5, तो इक्वेशन 1 2 3 4 5 को यूज करके हम कंप्लीट स्टेट मॉडल लिख सकते हैं स्टेट इक्वेशन एज वेल एज आउटपुट इक्वेशन, तो स्टेट इक्वेशन लिखते हैं पहले कितने वेरिएबल्स हैं x1 चार वेरिएबल्स x2 x3 x4 इज इक्वल टू यहां पे क्या आएगा बिंदु आएगा ऊपर ऊपर लगा दिया हमने बिंदु, यहां पे क्या होगा मैट्रिक्स का साइज a का 4 क्रॉस 4, यहां पे चार स्टेट वेरिएबल्स x1 x2 x3 x4, यहां पे सिंगल इनपुट है तो यहां पे मैट्रिक्स b बनेगा उसका साइज क्या होगा 4 क्रॉस 1 और यहां पे आएगा इनपुट u ऑफ t, आई इतनी बात समझ में, तो देखो x1 डॉट इज इक्वल टू x2, x1 डॉट इज इक्वल टू x2 मतलब x2 के साथ कोएफिशिएंट होगा 1 बाकी सारे कोएफिशिएंट 0, यहां पे इनपुट भी नहीं है 0 ओके, x2 डॉट इज इक्वल टू x3 तो क्या होगा 0 0 1 0 फिर इनपुट यहां पे भी नहीं है 0 ओके, फिर x3 डॉट इज इक्वल टू x4 तो x3 डॉट इज इक्वल टू x4 कैसे लिखेंगे 0 0 0 1 0 0 0 1, फिर x4 डॉट इज इक्वल टू -3x1 मतलब x1 का कोएफिशिएंट क्या होगा
माइनस थ्री, और एक्स टू का कोएफिशिएंट कितना होगा माइनस सिक्स, एक्स थ्री का कोएफिशिएंट कितना है माइनस सेवन, एक्स फोर का कोएफिशिएंट कितना है माइनस फाइव, और इनपुट का कोएफिशिएंट यहाँ पे प्लस वन, तो यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे प्लस वन है जीरो, एक्स थ्री के लिए हमने लिखा है एक्स थ्री डॉट के लिए। तो ये हमारा बन गया कंप्लीट स्टेट स्पेस मॉडल, ये हमारा क्या बना कंप्लीट स्टेट स्पेस मॉडल। आई इतनी बात समझ में, तो ये मेरा हो गया स्टेट इक्वेशन। अभी चलो हम लिखते हैं आउटपुट इक्वेशन, क्या लिखेंगे आउटपुट इक्वेशन। आई इतनी बात समझ में, तो अभी मैं लिखवा रहा हूं आपको आउटपुट इक्वेशन, उसको ध्यान से लिखो। तो आउटपुट सिंपली क्या है, एक्स वन के बराबर है, तो सबसे पहले आउटपुट किसके बराबर होगा, यहां पे मैट्रिक्स सी आएगा जिसका साइज होगा वन क्रॉस फोर, क्या होगा वन क्रॉस फोर, क्योंकि इसका साइज क्या है फोर क्रॉस वन स्टेट वेक्टर का, डेट इज एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर। ओके क्लियर इतनी बात। अभी यहां पे y ऑफ t x1 के बराबर है, तो x1 का सिर्फ कोएफिशिएंट आएगा वन, बाकी सारे कोएफिशिएंट जीरो आएंगे, क्या आएंगे जीरो आएंगे। तो यहां पे सिर्फ इतना ही पूछा था, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी पूछा था, तो ये हमारा होगा मैट्रिक्स ए, ये हमारा होगा मैट्रिक्स बी। अगर इसी केस में मैट्रिक्स सी भी पूछता तो ये हमारा होता पॉसिबल मैट्रिक्स सी। तो ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर फोर पे जाते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैट्रिक्स ए के साथ मैच कर रहा है। तो ये वाला देखो, फर्स्ट केस जो ऑप्शन ए है उसमें यही मैट्रिक्स दिया गया है माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस फाइव वन वन वन, और मैट्रिक्स बी क्या दिया गया है जीरो 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 वन। तो ओके ओके, तो ये वाला ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन ए। और अगर मैट्रिक्स सी पूछता तो ये आता अपना मैट्रिक्स सी, ये अपना है मैट्रिक्स ए, ये अपना है मैट्रिक्स बी, और ये अपना क्या है मैट्रिक्स सी। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। आई इतनी बात समझ में। इस टाइप का प्रॉब्लम हमने लास्ट लेक्चर में किया था, सेम प्रोसीजर हमने यहां पे अप्लाई किया है कि अगर ट्रांसफर फंक्शन दिया गया हो तो स्टेट स्पेस मॉडल कैसे डिराइव करते हैं। आई इतनी बात समझ में, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीटेड सक्सेसफुली। क्वेश्चन नंबर फाइव भी, क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और हमें स्टेट स्पेस मॉडल बनाना है। तो चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे। तो क्वेश्चन नंबर फाइव शो कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव हम यहां पे आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। तो उसको हम करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने कल सीखा था कि उसको हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टेट स्पेस मॉडल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर स्टेट स्पेस मॉडल में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या फाइंड करना है, मैट्रिक्स ए फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है मैट्रिक्स ए। आई इतनी बात समझ में, चलो ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे, किस पे क्वेश्चन नंबर फाइव। तो क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स इन एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स फॉर द सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इसमें सिंपली क्या बोला है, आपके पास एक सिस्टम है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, तो जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टेट स्पेस मॉडल बनाएंगे तो उसमें मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या होगा, उसमें मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या होगा। तो अभी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, इसमें से स्टेट स्पेस मॉडल कैसे बनाते हैं कल हमने सीखा था, कल हमने सीखा था। सबसे पहले ये चेक करो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे हाइएस्ट देखो ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसका ऑर्डर सिंपली कैसे फाइंड करते हैं, जो ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सा प्रेजेंट है, y पे दो बिंदु मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म यहां पे प्रेजेंट है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा टू। तो यहां पे स्टेट वेरिएबल्स कितने लेने पड़ेंगे, दो स्टेट वेरिएबल्स हमें लेने पड़ेंगे। तो हमने कल सीखा था प्रोसीजर, इसको हमें कैसे सॉल्व करना होता है। हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं आउटपुट को y इज इक्वल टू एक्स वन, y इज इक्वल टू x1, तो y डॉट क्या होता है dy by dx, dy by dx, इसको हम कैसे लिखेंगे x1 डॉट, कैसे लिखेंगे x1 डॉट। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ, y किसके बराबर है यहां पे dy by dx that is equal to x1 डॉट, that is derivative, ओके dy by dx नहीं dy by dt, dy by dt, ओके तो y डॉट y डॉट इज इक्वल टू dy by dt इज इक्वल टू x1 डॉट। ओके एक्स वन डॉट, आई इतनी बात समझ में, एक्स वन डॉट इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं एक्स टू इज इक्वल टू एक्स टू, इतनी बात क्लियर। अभी देखो सिंपली हमें क्या करना है, ध्यान देना, अभी सिंपली हमें क्या करना है वो देखो, हमें देखो दो स्टेट वेरिएबल्स लेने हैं क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो y डबल यहां से देखो, y डॉट हमें मिल गया x2, y हमें मिल गया x1, तो x2 डॉट का इक्वेशन हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मिल जाएगा। तो यूजिंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यूजिंग
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, y डबल डॉट को क्या लिख सकते हैं, y डबल डॉट को हम लिख सकते हैं x2 डॉट, क्या लिख सकते हैं x2 डॉट प्लस 2 y डॉट किसके बराबर है, x2 के बराबर, प्लस 3 इंटू y किसके बराबर है, x1 के बराबर इज इक्वल टू 0। तो यहां से x2 डॉट का इक्वेशन क्या बनेगा, x2 डॉट इज इक्वल टू माइनस 3x1 माइनस 2x2। ओके, ये मना बना इक्वेशन नंबर 2, ये मेरा बना इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा बना इक्वेशन नंबर 1। तो दो इक्वेशन हमारे पास है स्टेट वेरिएबल के डिफरेंशियल के फॉर्म में, इनके डेरिवेटिव्स के फॉर्म में। तो हम यहां पे कंप्लीट इनका स्टेट स्पेस मॉडल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो यहां पे, देखो x1 डॉट यहां पे लिखेंगे x2 डॉट इज इक्वल टू, यहां पे आएगा मैट्रिक्स ए, ओके मैट्रिक्स ए इनटू x1 x2 प्लस bx प्लस bu आता है, लेकिन यहां पे क्योंकि देखो दोनों डिफरेंशियल, दोनों स्टेट वेरिएबल्स के डिफरेंशियल इक्वेशंस में इनपुट नहीं है, तो वो वाला पोर्शन हो जाएगा जीरो, मैट्रिक्स b यहां पे बनेगा जीरो जीरो, क्योंकि यहां पे इनपुट सही नहीं, तो दोनों b में दोनों एलिमेंट्स क्या आएंगे जीरो जीरो, तो वो वाला टर्म हम यहां पे नहीं लिख रहे। तो x1 डॉट किसके बराबर है, x2 के बराबर, तो यहां पे आएगा जीरो, x2 का कोएफिशिएंट होगा 1, ओके। x2 डॉट किसके बराबर है, x1 का कोएफिशिएंट है -3, x1 का कोएफिशिएंट है -3 और x2 का कोएफिशिएंट कितना है -2, कितना है -2। तो ये मेरा आ गया डिफरेंशियल स्टेट स्पेस मॉडल इन द फॉर्म ऑफ x डॉट इज इक्वल टू ax। तो हमारा a क्या आया यहां पे, मैट्रिक्स a यहां पे बना 0 1 -3 -2। हम यहां पे मैट्रिक्स b क्या आएगा, अगर मैट्रिक्स b पूछता तो यहां पे क्या होता, मैट्रिक्स b होता अपना 0 0 और यहां पे होता इनपुट, तो मैट्रिक्स b यहां पे क्या होता 0 0, क्या होता 0 0। अगर मैट्रिक्स सी पूछता y को क्या माना है x1, तो y को कैसे लिखेंगे, y is equal to 1 0 x1 x2, ओके। तो सी क्या होगा हमारा, मैट्रिक्स सी होगा 1 0, लेकिन यहां पे सिर्फ क्या पूछा है, मैट्रिक्स बी ही पूछा है, तो मैट्रिक्स बी के चार एलिमेंट है 0 1 -3 -2। तो देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन डी में देखो मैट्रिक्स क्या दिया गया है, 0 1 -3 -2। तो हमने 5 प्रॉब्लम्स कर लिए हैं, जो कल के कॉन्सेप्ट्स थे हमने वही कॉन्सेप्ट्स सीखे, कल जो हमने लेक्चर में मैंने सिखाया था उसके रिलेटेड ही मैंने सारे प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे सॉल्व कराए, और ये मैंने अपने खुद के घर के बनाए हुए प्रॉब्लम्स नहीं है, या ईएसी के ही प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे ये लिखना मैं भूल गया हूँ, लेकिन ये सारे ईएसी के इलेक्ट्रिकल ब्रांच के ही प्रॉब्लम्स है। आई इतनी बात समझ में, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया है, तो चलो आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7 शो करो, क्वेश्चन नंबर 6 बाद में करेंगे, वो रिलेटेड है कॉन्सेप्ट कौन से, कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी के रिलेटेड है वो क्वेश्चन, तो वो हम बाद में करेंगे, ओके। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 चलो हम करते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पे करता हूं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दिखा दिया, क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेट स्पेस मॉडल दिया गया है और हमें ट्रांसफर फंक्शन पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करवाऊंगा वो भी, चलो सारे क्वेश्चंस करवा देता हूं। x डॉट इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 0 1 -1 -1, फिर यहां पे स्टेट वेक्टर x प्लस बी यू दिया गया है, बी क्या दिया गया है 0 k, और ये अपना u, ओके। और y भी दिया गया है, यहां पे y दिया गया है x1 प्लस x2। व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन y बाय u, तो इस सिस्टम का हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, तो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है तो मैं यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। ध्यान दो, ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्मूला क्या होती है, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू c इनटू si माइनस a इनवर्स, जो कि c इनटू रिजॉल्वर मैट्रिक्स इनटू b प्लस d इंटू बी प्लस डी। आई इतनी बात समझ में, तो देखो एस आई माइनस ए इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ए हमें पता है, बी हमें पता है, यहां पर बी मिल गया, सी हमें और डी चाहिए, सी और डी चाहिए, तो सी कैसे मिलता है, आउटपुट इक्वेशन से। लेकिन यहां पे आउटपुट इक्वेशन सी एक्स प्लस डी यू फॉर्म में नहीं दिया गया है, डायरेक्ट एक्स वन प्लस एक्स टू लिखा गया है, तो इसको हम बनाएंगे पहले सी एक्स फॉर्म में, ओके। तो आउटपुट इक्वेशन, तो ये जो दिया गया है यहां से ए हम लिख सकते हैं, ए क्या है हमारा, ए है 0 1 -1 -1, बी यहां पे क्या है, बी आपका है 0 k, क्या है 0 k, सी आपका क्या होगा, देखो मैं ये आउटपुट इक्वेशन y को ऐसे लिख सकता हूं 1 1, फिर यहां पे दो वेरिएबल्स आएंगे x1 x2, यहां पे कोई भी इनपुट टर्म नहीं है, तो मेरा सी क्या बनेगा, सी आपका बनेगा 1 1, और यहां पे क्योंकि y is equal to cx फॉर्म में बना है, cx plus du फॉर्म में इक्वेशन नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स d क्या होगा
जीरो मैट्रिक्स होगा वो हमें यहां पे इग्नोर कर देना है। तो हमें ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, तो सी मिल गया, बी मिल गया, तो अभी एस आई माइनस ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा विद दी हेल्प ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, तो एस आई माइनस ए कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे एस आई मैट्रिक्स एस एस जीरो जीरो, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? मैट्रिक्स ए सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैट्रिक्स ए क्या है? जीरो वन माइनस वन माइनस वन, जीरो वन माइनस वन माइनस वन। तो ये क्या होगा? एस, ये होगा माइनस वन, ये क्या होगा? वन, ये क्या होगा? एस प्लस वन, क्या होगा? एस प्लस वन। तो ये हो गया मेरा एस आई माइनस ए, क्या होगा? एस आई माइनस ए। तो एस आई माइनस ए इनवर्स क्या होगा? देखो एस आई माइनस ए इनवर्स क्या होगा? टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करो, डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करो, क्या हो जाएगा? एस प्लस वन, एस ऑफ डायगोनल एंट्रीज के साथ, ऑफ डायगोनल एंट्रीज के साथ माइनस साइन लगा दो, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस वन। फिर आगे नीचे क्या आएगा? डिटर्मिनेंट आएगा। नीचे डिटर्मिनेंट क्या होगा? एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन। तो एस आई माइनस ए इनवर्स मुझे मिल गया, एस आई माइनस ए इनवर्स मिल गया, सी मुझे पता है, बी मुझे पता है, डी जीरो है। यहाँ पे सारी इक्वेशन को रख दो, यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन वाई बाई यू क्या होगा? y by u is equal to c मेरे पास पता है 1 1, c मुझे पता है, s i minus a inverse पता है क्या है? s square plus s plus 1, और यहाँ पे क्या है आएगा आपका ये वाला matrix, that is s plus 1 1 minus 1 s, और यहाँ पे क्या दिया गया है? ध्यान दो, matrix b दिया गया है 0 के, क्या दिया गया है? 0 के। ओके, ये matrix b दिया गया है 0 के। तो y by u देखो क्या होगा, y by u is equal to, y by u is equal to, पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लीकेशन करो, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 है, ये क्या है? 2 क्रॉस 1। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल, रिजल्ट क्या आएगा? 2 क्रॉस 1। तो s प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू k, क्या आएगा यहाँ पे? मैट्रिक्स जो बनेगा उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा k, फिर 0 इंटू माइनस 1 जीरो प्लस एस के, क्या बनेगा? एस के। ओके, एस के, और यहाँ पे c क्या है? ध्यान दो, c है आपका 1 1, नीचे क्या है? एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। तो इसको सोल्व करोगे तो ये क्या है? 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, तो रिजल्टेंट सिंगल एक एलिमेंट आएगा क्या? k प्लस एस के, तो k इंटू एस प्लस 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। ये मेरा आ गया फाइनल ट्रांसफर फंक्शन, क्या आ गया? फाइनल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दी सिस्टम। और ये हमने कैसे किया? स्टेट स्पेस मॉडल हमें दिया गया था, उसमें से हमने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया ये फॉर्मूला अप्लाई करके। तो देखो ट्रांसफर फंक्शन क्या आया, k इनटू s प्लस 1 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस s प्लस 1, दैट इज ऑप्शन बी। क्या आया? ऑप्शन बी हमारा आया, आया क्या? ऑप्शन बी। आई इतनी बात समझ में बच्चों? इसका आंसर आया ऑप्शन बी। ओके, तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिखाना, क्वेश्चन नंबर 8 में भी ट्रांसफर फंक्शन ही फाइंड करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 में भी ट्रांसफर फंक्शन ही फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 एक काम करो, आप होमवर्क में करो, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क दे दो। ओके, देख 30 सेकंड तक दिखा दो, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में करना, और इसका सही ऑप्शन कमेंट जरूर करना क्या आएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप पूरा लेक्चर देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। इससे ही मुझे पता चल जाता है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि सही आंसर कमेंट करना, सिर्फ एक स्टूडेंट ने ही कमेंट किया था, मतलब उसने ही पूरा लेक्चर लास्ट तक देखा था, बाकी स्टूडेंट सिर्फ 10-20 मिनट देखे होंगे, फिर उनके काम का टॉपिक नहीं होगा, आगे बढ़ गए होंगे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सौरभ इसमें मतलब फिर देखेंगे आगे सब्जेक्ट्स और बढ़ाने हैं कि नहीं बढ़ाने। चलो क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क में दे दिया, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दिखा दो 30 सेकंड के लिए, उसके बाद दिखा देना क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 अभी दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? द सिस्टम मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर, सिस्टम मैट्रिक्स या स्टेट मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, द सिस्टम मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर टाइम इनवेरिंग कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम इज गिवन बाय, सिस्टम मैट्रिक्स दिया गया है ए इज इक्वल टू 0 1 -4 -6 0 1 -4 -6। व्हाट आर द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स पूछे, मतलब पोल्स का लोकेशन पूछा है। तो हमें पता है अगर सिस्टम मैट्रिक्स या स्टेट मैट्रिक्स दिया गया हो तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे? ए सॉल्यूशन में यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, कैसे निकाल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? एस आई माइनस ए जो मैट्रिक्स आता है उसके डिटर्मिनेंट को जीरो बना के। तो एस आई माइनस ए इनवर्स मैट्रिक्स क्या बनेगा? मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं, एस माइनस जीरो बनेगा एस, माइनस वन होगा, यहां पे क्या होगा 4 होगा, और ये क्या होगा s प्लस 6, क्या होगा s प्लस 6, इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। इसको डिटेल कैसे करते हैं वो मैंने लास्ट एग्जांपल में बता दिया है, पहले si बनाते हैं, si में से a को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर si माइनस a इनवर्स मैट्रिक्स बनता है, उसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 सेट किया। तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा
एस स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो अभी कौन सा यहां पे देखो लगेगा टेबल, ये क्या था s, ये हो गया s, ये हो गया माइनस वन सही है, ये हो गया प्लस फोर, ये हो गया s प्लस सिक्स। तो क्या एस स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फोर। अभी बनाओ इसका क्या होगा, इसमें रूट्स कौन कौन से आएंगे मुझे बताओ, कौन से रूट्स आएंगे एस स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फोर, इसके रूट्स आपको फाइंड करने हैं। सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आपको क्या करने हैं रूट्स निकालने हैं। तो ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, इसके रूट्स आप फाइंड कर लेना। कौन सा क्वेश्चन था भाई, ओके क्वेश्चन नंबर 10 था ना, तो 0 1 माइनस 4 माइनस 6 ओके। तो इसके रूट्स यहां पे व्हाट आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चार ऑप्शन दिए गए हैं माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 5 और ये क्या हो गया 0 माइनस 1। तो 0 तो इसका रूट हो ही नहीं सकता, 0 हो ही नहीं सकता, माइनस 1 भी इसका रूट नहीं हो सकता, ओके माइनस 1 वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, क्योंकि इसके रूट्स निकालोगे क्या आएंगे s इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसके तो मुझे लग रहा है कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। बी स्क्वायर s इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर इट इज 36 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 4, कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगे लेकिन एग्जैक्टली इंटीजर्स नहीं आएंगे, ओके डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। तो ये क्या होगा s इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 36 माइनस 16 20 डिवाइड बाय 2। तो ये क्या होगा माइनस 6 प्लस माइनस 4 इंटू 20, तो 4 इंटू 5 2 रूट 5 डिवाइड बाय 2। तो ये क्या होंगे माइनस 3 प्लस माइनस रूट 5 प्लस माइनस रूट 5। तो s बराबर क्या आएगा माइनस 3 प्लस माइनस रूट 5। और इस टाइप के रूट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं ऑप्शंस में, ऑप्शंस में इस टाइप के रूट्स मुझे नहीं दिख रहे, ऑप्शंस में एग्जैक्टली इंटीजर्स हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग एरर हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्रोसीजर आपको यही फॉलो करना है, प्रोसीजर आपको यही फॉलो करना है अगर सिस्टम के रूट्स आपको फाइंड करने हैं। आई इतनी बात समझ में, चलो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 शो करो। क्वेश्चन नंबर 11 में नहीं करवाने वाला हूं, सिर्फ आप शो करो इनको, और क्वेश्चन नंबर 11 का आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट करके बताना क्वेश्चन नंबर 11 का, ओके क्वेश्चन नंबर 11 का। तो मैंने आपको दो क्वेश्चन यहां पे होमवर्क में दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11, हमारे दो क्वेश्चन शायद बच रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 6, ओके क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 6 बाकी है, उसके रिलेटेड में कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाने वाला हूं आपको, फिर हम उन दोनों क्वेश्चंस को फाइनल करेंगे और फिर इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे इस सेशन के साथ। आई इतनी बात समझ में, तो चलो अभी अभी तक मैंने आपको 9 प्रॉब्लम्स करवाए, उसमें से 7 मैंने यहाँ पे सॉल्व किए और 2 प्रॉब्लम्स आपको दिए हैं होमवर्क में। तो स्टेडी स्पेस एनालिसिस का मतलब ऑलमोस्ट 90% टॉपिक्स और प्रॉब्लम्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, दो छोटा सा एक कौन से बाकी है जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोलेबिलिटी, क्या है कंट्रोलेबिलिटी, ओके कंट्रोलेबिलिटी। तो एक हमारे पास सिस्टम है, ओके एक हमारे पास सिस्टम है, उसको हम कब बोलेंगे कि यह सिस्टम क्या है स्टेट कंट्रोलेबल, क्या यह सिस्टम कब है स्टेट कंट्रोलेबल। अगर अभी अभी ध्यान से सुनना, ए सिस्टम, अभी मैं लिख रहा हूं यहां पे पहले ए सिस्टम इज स्टेट कंट्रोलेबल, ए सिस्टम इज स्टेट कंट्रोलेबल, इज स्टेट कंट्रोलेबल if any system state can be, देखो यहां पे, a system is state controllable if any system state can be transferred from initial state, let us say x of t naught to a certain state, let us say वो state है x of t in a finite time given a specified
इनपुट। आई इतनी बात समझ में? तो यहां पे देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब है आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में स्टेट वेरिएबल्स होते हैं x1 x2 x3 ओके x1 x2 x3 जिसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो अगर आपके पास एक सिस्टम है एट पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास एक सिस्टम है और उसके कुछ स्टेट वेरिएबल्स है जिनकी कुछ वैल्यूज होगी एट पर्टिकुलर टाइम t0 पे ओके तो अगर हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स को हम बोल देते हैं यहां पे स्टेट, क्या बोल रहे हैं स्टेट, उसकी पर्टिकुलर कुछ वैल्यू होगी एट टाइम t = t0 ओके तो स्टेट वेरिएबल्स ओके। तो यहां पे अगर वो जो स्टेट है सिस्टम का दैट इज स्टेट वेक्टर x(t) ओके उस स्टेट को अगर हम किसी भी डिजायरेबल स्टेट में, क्या हम उस स्टेट को किसी भी डिजायरेबल दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर सकते हैं इन फाइनाइट टाइम और एक इनपुट अप्लाई करके? अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम बोलते हैं क्या है सिस्टम, क्या है कंट्रोलेबल सिस्टम है, सिस्टम स्टेट कंट्रोलेबल है। सिस्टम स्टेट कंट्रोलेबल का मतलब है कि इस सिस्टम का अगर गिवन है कुछ स्टेट गिवन है आप उसको डिजायरेबल स्टेट में ट्रांसफर कर सकते हो, ले जा सकते हो इन फाइनाइट टाइम यूजिंग अ स्पेसिफाइड इनपुट। मतलब आपके पास एक स्टेट है x(t) जो है हमारा स्टेट वेक्टर, वो उसी की बात कर रहे हैं आप, आपके पास एक सिस्टम का स्टेट है उसको आपको किसी दूसरे डिजायरेबल स्टेट में कन्वर्ट करना है इन फाइनाइट टाइम विद स्पेसिफाइड इनपुट, तो आप बोल सकते हो अगर सिस्टम ऐसा कर पा रहा है तो हम उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, सिस्टम कंट्रोलेबल है। क्या है? सिस्टम कंट्रोलेबल है। मेरे पास एक कुछ स्टेट है, एक स्टेट है मेरे एक ऐसा समझ लो कि कोई पर्टिकुलर वेरिएबल है ओके स्टेट वेरिएबल मान लो, उसकी वैल्यू है लेटर से 2, उसकी वैल्यू है 2। अभी मुझे इस 2 को 3 में कन्वर्ट करना है, मतलब 2 को 3 में ट्रांसफर करना है कुछ सर्टेन फाइनाइट टाइम में, और उसके साथ में कुछ सिस्टम में इनपुट भी अप्लाई करूंगा, मैं सिस्टम में कुछ इनपुट अप्लाई करूंगा ताकि कुछ फाइनाइट टाइम में ये स्टेट 2 से 3 में चला जाए। अगर हम ऐसा सिस्टम में कर पा रहे हैं तो सिस्टम को हम सिंपली क्या बोलेंगे, दिस इज स्टेट कंट्रोलेबल। आप स्टेट को किसी भी फ्रॉम गिवन इनिशियल स्टेट टू डिजायरेबल स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो इन फाइनाइट टाइम विद स्पेसिफाइड इनपुट। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर हुई? ओके, तो सिस्टम को बोलते हैं फिर सिस्टम इज स्टेट कंट्रोलेबल। मैथमेटिकली हम कैसे फाइंड करेंगे कि सिस्टम कंप्लीटली कंट्रोलेबल है या स्टेट कंट्रोलेबल है, वो मैथमेटिकली कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स दैट इज Q(c) इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स कैसे बनता है, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम होगा जो मैट्रिक्स B होता है ओके इस मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम होगा AB का प्रोडक्ट, क्या होगा AB का प्रोडक्ट, और अप टू हम कहां तक जाएंगे, इस मैट्रिक्स के कितने कॉलम बनेंगे, अप टू a टू द पावर n माइनस 1 इनटू b, अप टू n टू द पावर a टू द पावर n माइनस 1 इनटू b। जितने हमारे स्टेट वेरिएबल्स होंगे उसका उसको 1 में से सबट्रैक्ट कर दो, उतना a का पावर होगा इनटू b, उतने कॉलम्स हमारे बनेंगे। जैसे कि मैं बोलूं मेरे पास दो स्टेट वेरिएबल है तो हम कहां तक जाएंगे, पहले b आएगा फिर a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी तक जाएंगे, मतलब a टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू बी मतलब ए बी तक जाएंगे। मैं आपको बोलूं तीन स्टेट वेरिएबल है, तीन स्टेट वेरिएबल मतलब हम कहां तक जाएंगे, बी ए बी फिर a टू द पावर 2 3 माइनस 1 इंटू बी ए स्क्वायर बी तक ये मैट्रिक्स बनेगा। जब हम एग्जांपल करेंगे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्या करोगे, कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स बनाओगे, कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स बनाने के बाद इसका डिटर्मिनेंट चेक करोगे, अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है तो हम बोलेंगे क्या है, सिस्टम कंट्रोलेबल है। क्या है, सिस्टम इज कंट्रोलेबल ओके। अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो आ गया तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम इज अनकंट्रोलेबल। क्या है, अनकंट्रोलेबल। आई इतनी बात समझ में? तो हम बोलेंगे अनकंट्रोलेबल ओके। क्लियर हुआ इतना? तो चलो अभी हम करते हैं एक क्वेश्चन नंबर 9 जो इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड है, फिर मैं आपको ऑब्जर्वेबिलिटी बताऊंगा, फिर उसके रिलेटेड भी हम प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो अभी दिखाओ इनको क्वेश्चन नंबर 9 ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 के थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, कैसे हम मैथमेटिकली इसको एनालिसिस करते हैं वो सब आपको पता चल जाएगा ओके। चलो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पे आपको दिखा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, स्टेट स्पेस मॉडल दिया गया है x डॉट इज इक्वल टू 1 2 0 b, इस टाइप के क्वेश्चन गेट में भी आते हैं 0 1 u ओके। एक क्या बोला है, लेट x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu वेयर b इज एन अननोन कांस्टेंट, b का हमें कुछ अता पता नहीं है, दिस सिस्टम इज
अनकंट्रोलेबल फॉर बी इज इक्वल टू वन, अनकंट्रोलेबल फॉर बी इज इक्वल टू जीरो, अनकंट्रोलेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी, अनकंट्रोलेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी। तो देखो हमें इसकी कंट्रोलेबिलिटी पे कमेंट करना है यूजिंग वैल्यू ऑफ बी। तो अगर कंट्रोलेबिलिटी पे कमेंट करना है यूजिंग स्टेट स्पेस मॉडल, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स। आई इतनी बात समझ में? तो यहां पे देखो ए क्या है, ए अपना है 1 2 0 b 1 2 0 b, b यहां पे क्या है 0 1, क्या है 0 1। तो यहां पे नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स n कितने हैं, स्टेट वेरिएबल 2 x1 x2 ओके, यहां पे एक वेक्टर आएगा x प्लस, यहां पे दो स्टेट वेरिएबल है वो हमें पता चल रहा है क्योंकि a का साइज क्या है 2 x 2। तो हम qc बनाएंगे कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स। कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स में पहला कॉलम क्या आता है, जो कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स है उसका पहला कॉलम क्या होगा, b के एलिमेंट्स क्या होंगे, b के एलिमेंट्स। हम कहां तक जाते हैं, a टू द पावर n माइनस 1 इनटू b, n 2 है तो हम कहां तक जाएंगे, a टू द पावर 2 माइनस 1 इनटू b, मतलब a इनटू b तक ओके। तो कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स कैसे बनेगा, कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स का पहला कॉलम क्या होगा, मैट्रिक्स b। कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम क्या होगा, हम ए बी का प्रोडक्ट लेंगे, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम बनेगा। तो चलो ए बी फाइंड करते हैं, ए बी फाइंड करते हैं। तो देखो ए यहां पे क्या है, ए आपका है 1 2 0 b 1 2 0 b, बी आपका क्या है 0 1, बी आपका क्या है 0 1। इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो एक कॉलम वेक्टर बनेगा यहां पे ओके। कैसे बनेगा, ये 2 x 2 है, ये 2 x 1 है, तो यहां पे क्या बनेगा 2 x 1, क्या बनेगा 2 x 1। तो 1 × 0 0 प्लस 2 × 1 क्या बनेगा 2, तो यहां आएगा 2। 0 × 0 0 प्लस 1 × b, यहां पे क्या बनेगा b बनेगा, क्या बनेगा b बनेगा। तो अभी बनाओ QC मैट्रिक्स। QC मैट्रिक्स कैसे बनेगा, ध्यान दो QC मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम बनेगा वो मैट्रिक्स b होगा, तो मैट्रिक्स b को QC के फर्स्ट कॉलम बनाते हैं। QC मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम क्या होगा, मैट्रिक्स ab, तो सेकंड कॉलम क्या होगा 2b, क्या होगा 2b ओके। अभी हमें क्या निकालना है, QC का डिटरमिनेंट निकालो। तो QC का डिटरमिनेंट क्या होगा, देखो 2 x 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, पहले डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो 0 × b, फिर इसमें से क्या सबट्रैक्ट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स दैट इज 2 × 1, तो ये क्या आएगा -2 आएगा ना, देखो -2 आया विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे आपको दो चीजें ध्यान देनी है, पहला कि डिटरमिनेंट बी पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब इस सिस्टम की कंट्रोलेबिलिटी बी पे डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि आपका डिटरमिनेंट बी पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि 0 × b क्या होता है 0 होता है, और डिटरमिनेंट क्या आया -2 विच इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, हमारा सिस्टम हमेशा क्या होगा, कंट्रोलेबल ही होगा। आप b की कोई भी वैल्यू ले लो, आप b की कोई भी वैल्यू ले लोगे 0 × b, तो हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। इसका मतलब आप b की कोई भी वैल्यू ले लो, डिटरमिनेंट हमेशा -2 ही आने वाला है, आप इस क्योंकि डिटरमिनेंट आपका b पे, डिटरमिनेंट का जो फाइनल एक्सप्रेशन आया है, फाइनल रिजल्ट आया है, वो b की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए जो आपका डिटरमिनेंट है वो b की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब सिस्टम की कंट्रोलेबिलिटी b पे डिपेंड नहीं करती है, और क्योंकि डिटरमिनेंट -2 आया है व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब आप b की कोई भी वैल्यू ले लो, डिटरमिनेंट हमेशा -2 ही रहेगा। इसका मतलब ये सिस्टम हमेशा कंट्रोलेबल ही होगा, आप b की कोई भी वैल्यू ले लो, मींस दिस सिस्टम इज कंट्रोलेबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ b। तो कौन सा आएगा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ b और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ b, तो ऑप्शन d आएगा, सिस्टम इज कंट्रोलेबल फॉर All values of b, for all values of b, आप b की कोई भी वैल्यू ले लो, डिटरमिनेंट हमेशा -2 ही आने वाला है, तो कौन सा आएगा, ऑप्शन d आपका करेक्ट होगा, क्या होगा, ऑप्शन d आपका करेक्ट होगा। आ इतनी बात समझ में बच्चों, यहां तक किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए ओके। तो इसमें क्या है, ऑप्शन d करेक्ट होगा। तो अभी एक क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें ऑब्जर्वेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, वो क्वेश्चन नंबर 6। पहले मैं कंट्रोलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमें पता है ओके, तो अभी मैं ऑब्जर्वेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। चलो अभी हम पढ़ते, कंट्रोलेबिलिटी हमने पढ़ लिया, अभी हम ऑब्जर्वेबिलिटी ओके। तो ऑब्जर्वेबिलिटी का मतलब क्या होता है, यहां पे जैसे ऑब्जर्व वर्ड आ रहा है, इसका इससे बहुत कनेक्शन है। चलो मैं यहां पे पहले लिखवा रहा हूं आपको मस्त, यहां पे डेफिनेशन ऑब्जर्वेबिलिटी, जैसे हमने लिखा कंट्रोलेबिलिटी, अभी हम पढ़ रहे हैं ऑब्जर्वेबिलिटी।
ओके आई इतनी बात समझ में? तो ऑब्जर्वेबिलिटी का मतलब क्या होता है? A system is observable if any state of system can be identified by looking at the output. ओके तो हम बोलते हैं सिस्टम क्या है? ऑब्जर्वेबल सिस्टम है. इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास एक सिस्टम है, उसका आपने एक बार आउटपुट फाइंड कर लिया, तो अगर आप सिस्टम का जो स्टेट है, जैसे एक्स होता है या स्टेट वेरिएबल्स, एक्स के अंदर स्टेट वेरिएबल्स ही होते हैं, अगर आप सिस्टम का स्टेट आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, एनी स्टेट, आप सिस्टम का कोई भी स्टेट अगर फाइंड कर पा रहे हो बाय लुकिंग एट द आउटपुट, एक बार आपने आउटपुट फाइंड कर लिया सिस्टम का, तो क्या आप आउटपुट में से सिस्टम का स्टेट डिराइव कर सकते हो? क्या सिस्टम का कोई भी स्टेट फाइंड कर सकते हो यूजिंग द आउटपुट? अगर ऐसा कर सकते हो तो हम सिस्टम को क्या बोलते हैं? दिस सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल. कंट्रोलेबल का मतलब क्या था? आप फाइनाइट टाइम में यूजिंग स्पेसिफाइड इनपुट सिस्टम को किसी भी सिस्टम के स्टेट है उसको किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में से दूसरे डिजायरेबल स्टेट में से ट्रांसफर कर सकते हो, तो हम क्या बोलते हैं? वो सिस्टम कंट्रोलेबल था. ऑब्जर्वेबल सिस्टम का मतलब क्या है? क्या आप आउटपुट को देख के कोई भी स्टेट सिस्टम का फाइंड कर सकते हो? क्या आप आउटपुट को देख के कोई भी सिस्टम का स्टेट आइडेंटिफाई कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो? अगर ऐसा कर सकते हो तो हम क्या बोलेंगे? सिस्टम क्या है? ऑब्जर्वेबल है. तो मैथमेटिकली जैसे कंट्रोलबिलिटी के लिए हमने मैट्रिक्स बनाया था, सिमिलरली ऑब्जर्वेबिलिटी फाइंड करने के लिए भी ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स बनाते हैं. वो कैसे बनाते हैं? उसके लिए मैट्रिक्स सी का जरूरत पड़ता है. इट इज क्यू क्यू ओ इज इक्वल टू, कैसे बनाएंगे ये हमारा बनेगा ऐसे, जो क्यू ओ का फर्स्ट रो बनेगा वो यहाँ पे मैट्रिक्स सी होता है, दूसरा रो जो बनेगा वो होता है सी ए अप टू, हम कहां तक जाएंगे? सी ए टू द पावर एन माइनस वन. आई इतनी बात समझ में? वहां पे कैसे था? कंट्रोलबिलिटी मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स था, कंट्रोलबिलिटी मैट्रिक्स, उसका फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स बी था, दूसरा कॉलम ए बी था, अप टू ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी तक जा रहे थे. यहां पे मैट्रिक्स जो क्यू जीरो है इसका, सॉरी क्यू ओ है, क्यू नॉट बोलो, क्यू नॉट है, इसका जो फर्स्ट रो बनेगा वो मैट्रिक्स सी बनेगा, इसका जो सेकंड रो बनेगा वो सी ए का प्रोडक्ट, अप टू कहां तक जाएंगे, कौन से रो तक? सी ए टू द पावर एन माइनस वन तक. आई इतनी बात समझ में? तो चलो हम ये वाला एग्जांपल कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर कौन था? सिक्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स कर रहे हैं, उससे आपको सारा आइडिया आ जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर सिक्स एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पहले आपको स्टेट स्पेस मॉडल बनाना पड़ेगा. स्टेट स्पेस मॉडल बनाओगे उसके बाद ही आप क्या कर पाओगे? ए और बी और सी को फाइंड कर पाओगे, फिर ही आप कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी पे कमेंट कर पाओगे. इस पे दूसरा, इसका दूसरा तरीका भी होता है. अगर आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया गया हो तो एक दूसरा तरीका भी होता है. आप डायरेक्ट सिग्नल फ्लो ग्राफ को देख के ही बता सकते हो सिस्टम कंट्रोलेबल है या ऑब्जर्वेबल है. वो मैं आपको बताऊंगा जब सेशंस का मैराथन होगा, लेकिन अभी मैं आपको इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में से स्टेट स्पेस मॉडल कैसे बनाते हैं. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका शॉर्टकट भी है. अगर सिग्नल फ्लो ग्राफ आपको दिया गया हो तो डायरेक्ट आप बता सकते हो सिस्टम कंट्रोलेबल है, ऑब्जर्वेबल है, विदाउट एनी मैथमेटिकल जगलरी. ओके तो चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स दिखा दो बेटा. तो क्वेश्चन नंबर सिक्स पे हम आते हैं यहां पे, और मैं मार्कर उसी के साथ चेंज कर रहा हूं. ओके तो मार्कर को भी मैं हथियार बदल रहा हूं अभी. ओके चलो ठीक है. चलो अभी यहां पे क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं. इसमें इंक अच्छा भरा. क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स है. यहाँ पे देखो ये इनपुट है यू वन, और यहाँ पे ये दो नोट्स, कितने नोट्स है पहले मैं गिन लेता हूँ, एक दो तीन चार, ये है मेरा चौथा नोट, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवा. ओके सी वन सी टू हमें मैटर नहीं करता है, वो पता नहीं क्यों दिए गए, क्या किया गया. ओके चलो ठीक है, ये मेरा यू वन एक इनपुट है, ये है वन. ओके ये है वन अपॉन एस. ओके ये मेरा क्या है? माइनस टू. ये क्या है? माइनस टू. ओके ये बोला गया है एक्स टू, तो ये क्या होगा? हमने देखा था लास्ट लेक्चर में एक्स टू डॉट, क्योंकि इंटीग्रेटर यहां पे लगाया हुआ है. फिर यहां से इस ब्रांच का गेन दिया गया है वन, इस ब्रांच का गेन दिया गया है वन. फिर यहां से ये बोला गया है माइनस थ्री, इस नोड को बोला गया एक्स वन, तो ये क्या होगा? एक्स वन डॉट, क्योंकि यहां पर इंटीग्रेटर लगाया हुआ है वन अपॉन एस. ओके फिर यहां से हम क्या ले रहे हैं? यहां से आउटपुट को लिया गया है ये वन. ओके ये वन है,
ये भी वन है, और इसको हम फाइनल बोल देते हैं आउटपुट वाई, जो कि ये सी वन सी टू क्या लगाया गया है हम वहां पे उसको आउटपुट बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट में बताऊंगा मैराथन क्लास में, ओके चलो ठीक है। अभी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इनपुट है यू वन और यहाँ पे आउटपुट है वाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेट स्पेस मॉडल बनाना पड़ेगा। स्टेट स्पेस मॉडल बनाएंगे उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है स्टेट स्पेस मॉडल बनाने के बाद, कि ए बी और सी निकालते हैं, फिर देखते हैं सिस्टम कंट्रोलेबल है या ऑब्जर्वेबल है। तो सबसे पहले एक्स वन डॉट देखो क्या होगा, एक्स वन डॉट इज इक्वल टू, एक्स वन डॉट देखो, एक्स वन डॉट पे कितने इनकमिंग सिग्नल है, एक ये वाला अंदर आ रहा है, एक ये वाला अंदर आ रहा है, तो एक्स वन डॉट इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स टू इंटू वन मीन्स एक्स टू माइनस थ्री इंटू एक्स वन माइनस थ्री एक्स वन माइनस थ्री एक्स वन। आई इतनी बात समझ में, ये बना मेरा इक्वेशन वन, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं सोल्यूशन, ओके क्लियर। अभी एक्स टू डॉट देखो, एक्स टू डॉट पे दो सिग्नल इनकमिंग है, एक अपना इनपुट यू वन माइनस टू एक्स टू, एक ये वाला सिग्नल अंदर आ रहा है, तो ये हमारे दो इक्वेशन बने, तो यहां से ए और बी हमें मिल जाएगा, ए और बी हमें मिल जाएगा। आई इतनी बात समझ में बच्चों, क्लियर हुआ इतना। अभी आउटपुट इक्वेशन निकालते हैं क्योंकि सी हमें चाहिए, तो आउटपुट इक्वेशन क्या होगा, वाई इज इक्वल टू वन इंटू दिस वेरिएबल, इस वेरिएबल को लेटर से हम बोल देते हैं, क्या बोल दें इस वेरिएबल को, हम बोल देते हैं वाई वन, क्या बोल देते हैं वाई वन। तो वाई किसके बराबर होगा, वाई इज इक्वल टू y1। अभी y1 देखो, इस नोड पे इस वेरिएबल का कौन सा वैल्यू होगा, सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ बिट्स इनकमिंग सिग्नल, तो यहां पे दो सिग्नल देखो अंदर आ रहे हैं, ध्यान दो, दो सिग्नल यहां पे अंदर आ रहे हैं, एक x1 into 1 तो ये हो गया x1, प्लस दूसरा सिग्नल क्या आ रहा है x1 dash into 1, प्लस क्या आ रहा है x1 dash, क्या आ रहा है x1 dash, ओके। और यहां पे क्या है x1 प्लस x1 dash की जगह हम इसको डाल सकते हैं ना x2 माइनस 3x1 को, क्योंकि जो आउटपुट इक्वेशन चाहिए होता है वो स्टेट वेरिएबल के फॉर्म में चाहिए होता है, उनके डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं। तो x1 डॉट को यूजिंग इक्वेशन 1 हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, x2 माइनस 3x1, ओके, यूजिंग सिंस इक्वेशन 1 हम यूज यहां पे कर रहे हैं, ओके। तो y किसके बराबर होगा, y आपका किसके बराबर होगा, x1 माइनस 3x1, ये क्या होगा माइनस 2x1 प्लस x2 प्लस क्या होगा x2, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। तो हमें इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन को यूज करेंगे स्टेट इक्वेशन बनाने के लिए, और इक्वेशन 3 को हम यूज करेंगे आउटपुट इक्वेशन बनाने के लिए। तो सबसे पहले बनाते हैं स्टेट इक्वेशन, क्या होगा x1 डॉट x2 डॉट इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू आपका होगा पहले मैट्रिक्स ए बनाओ, फिर यहां पे स्टेट वेक्टर होगा x1 x2 प्लस क्या होगा मैट्रिक्स बी इंटू यू, मैट्रिक्स बी इंटू यू। आई इतनी बात समझ में, तो x1 डॉट इज इक्वल टू माइनस 3x1 प्लस x2, तो x1 का कोएफिशिएंट क्या होगा माइनस 3, x2 का कोएफिशिएंट होगा 1, फिर x2 डॉट इज इक्वल टू u1 माइनस 2x2, तो क्या होगा देखो x1 का कोएफिशिएंट 0 है, x2 का कोएफिशिएंट है माइनस 2, ओके, और u1 का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है 1, और यहां पे u1 का कोएफिशिएंट था 0। फिर आउटपुट इक्वेशन लिखो, दैट इज इक्वल टू C मैट्रिक्स आएगा, और यहां पे दो स्टेट वेक्टर x1, सॉरी एक स्टेट वेक्टर x1 x2 जिसमें दो स्टेट वेरिएबल x1 x2, ओके। तो y क्या है 2x1 plus x2, तो x1 का कोएफिशिएंट है 2, x2 का कोएफिशिएंट हो गया 1। आई इतनी बात समझ में, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट स्टेट मॉडल। इसका डिटेल्ड एनालिसिस मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था, लास्ट लेक्चर में मैंने एक प्रॉब्लम करवाया था जिसमें सिग्नल फ्लो ग्राफ से हम स्टेट स्पेस मॉडल में कैसे जाते हैं, तो ऐसे हम जाते हैं। तो हमें मैट्रिक्स ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, ओके। अभी हम कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स बना के देखते हैं कि उनका डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो ऑब्जर्वेबिलिटी में मैंने कंडीशन नहीं लिखवाई क्या, कि सिस्टम ऑब्जर्वेबल कब होगा और अनऑब्जर्वेबल कब होगा। तो जैसे कंट्रोलेबिलिटी में था, अगर डिटरमिनेंट कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स का, क्यूसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आता है तो सिस्टम कंट्रोलेबल है, अदरवाइज अनकंट्रोलेबल। सिमिलरली ऑब्जर्वेबिलिटी में Q0 मैट्रिक्स जो आ रहा था, QO मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तो सिस्टम क्या होगा ऑब्जर्वेबल, अगर QO मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो सिस्टम क्या होगा अनऑब्जर्वेबल, ओके। चलो हम सिस्टम का आगे एनालिसिस करते हैं और देखते हैं और स्टडी हम करते हैं थोड़ा, चलो ठीक है। अभी हमें स्टेट स्पेस मॉडल मिल चुका है, तो सबसे पहले कंट्रोलेबिलिटी चेक करते हैं, और मैं इसका शॉर्टकट आपको बताऊंगा मैराथन में, कि ये आपको पूरा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, हमें ए मिल गया, बी मिल गया, तो बी हमें पता है, बी क्या है यहां पे मुझे बताओ, जीरो वन, क्या है जीरो वन। ए बी फाइंड करो क्योंकि क्यूसी के लिए ये सब चाहिए, ए क्या है माइनस थ्री वन जीरो माइनस टू, बी यहां पे क्या है देखो, बी आपका है जीरो वन, तो ए बी देखो क्या होगा यहां पे, ए बी यहां पे होगा आपका माइनस थ्री इंटू जीरो प्लस वन, जीरो इंटू जीरो जीरो माइनस टू, ये क्या हो गया
माइनस टू, आई इतनी बात समझ में, ये क्या हो गया माइनस टू, तो ए बी हमें मिल गया। क्यू सी बनाओ, क्यू सी कैसे बनाओगे, इसका फर्स्ट कॉलम होगा मैट्रिक्स बी, सेकंड कॉलम होगा वन माइनस टू, क्या होगा वन माइनस टू, तो डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू सी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू सी क्या होगा, जीरो इंटू माइनस टू जीरो, माइनस वन डेट इज इक्वल टू जीरो, मतलब क्या सिस्टम कंट्रोलेबल है, क्या है कंट्रोलेबल है सिस्टम, आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ। अभी ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, सी और सी ए चाहिए, तो सी तो हमें पता है, सी यहां पे क्या है टू वन, सी ए निकालो, सी ए क्या होगा, सी ए इज इक्वल टू वन इन टू मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए यहां पे क्या है माइनस थ्री वन जीरो माइनस टू, जीरो माइनस टू, ओके। चलो हम इसको मिटा देते हैं, इसको हम यहां पे मिटा देते हैं और आगे फिर प्रोसीड करते हैं, आगे फिर प्रोसीड करते हैं, ओके। तो टू यहां पे क्या होगा, देखो ये क्या है वन क्रॉस टू मैट्रिक्स, और ये क्या है टू क्रॉस टू मैट्रिक्स, तो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो भी वन क्रॉस टू बनेगा, वन क्रॉस टू में मतलब दो एलिमेंट्स आएंगे, तो पहला एलिमेंट कैसे बनेगा टू इंटू माइनस थ्री प्लस वन इंटू जीरो, तो टू इंटू माइनस थ्री होगा माइनस सिक्स प्लस जीरो, माइनस सिक्स प्लस जीरो माइनस सिक्स होगा, टू इंटू वन टू माइनस टू, ये क्या हो गया जीरो हो गया, टू इंटू वन टू माइनस टू हो गया जीरो, तो मैट्रिक्स ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स बनाओ, क्यू ओ इज इक्वल टू, जिसका फर्स्ट रो क्या होगा सी होगा, फर्स्ट रो सी होगा, सेकंड रो क्या होगा सी ए माइनस सिक्स जीरो, तो इसका डिटर्मिनेंट देखो क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट आएगा टू इंटू जीरो जीरो माइनस ऑफ माइनस सिक्स दैट इज प्लस सिक्स विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है सिस्टम ऑब्जर्वेबल भी है, क्या है ऑब्जर्वेबल, आई इतनी बात समझ में, क्योंकि क्यू क्यू और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्योंकि नॉन जीरो आया है तो सिस्टम क्या होगा ऑब्जर्वेबल, अगर क्यू जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आता तो क्या होता अनऑब्जर्वेबल, तो दोनों डिटर्मिनेंट क्योंकि नॉन जीरो आए हैं तो सिस्टम कंट्रोलेबल भी है एज वेल एज ऑब्जर्वेबल भी है, जो कि है आपका ऑप्शन ए, द सिस्टम इज कंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबल, आई इतनी बात समझ में बच्चों, इतना क्लियर हुआ आपको, इतना क्लियर हुआ, तो यहां पे हम इस सेशन को एंड करेंगे। तो हमने आज स्टेट स्पेस मॉडल के रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स किए, 11 प्रॉब्लम किए, तो जो फर्स्ट हाफ में हमने प्रॉब्लम किए थे, जो हमने कल तक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, उसमें से मैंने 7 प्रॉब्लम आपको करवाए, 2 आपको होमवर्क में दिए हैं, देखता हूं कितने स्टूडेंट्स यहां पे कमेंट करते हैं, और बाकी हमने पढ़ा कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, उसके मैथमेटिकली हम कैसे कंक्लूड करेंगे कि सिस्टम कंट्रोलेबल है या ऑब्जर्वेबल है वो हमने देखा, फिर उसके रिलेटेड हमने 2 एग्जांपल्स यहां पे देखे, इस एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको ये भी बताया वापस कि सिग्नल फ्लो ग्राफ में से स्टेट स्पेस मॉडल हम कैसे बनाते हैं। तो आई होप सारे स्टूडेंट्स ने इंजॉय किया होगा, तो मैंने पहले ही बोला था स्टेट स्पेस एनालिसिस का चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, हेक्टिक होने की जरूरत नहीं है, 2 लेक्चर 2 से 2.5 घंटे का काम है, बहुत इतना ही करना है आपको, मैं ऐसा बोलूंगा गेट के लिए भी इतना ही सफिशियंट है फ्रॉम स्टेट स्पेस मॉडल, जितना मैंने पढ़ाया है उतने कॉन्सेप्ट लगा लोगे तो गेट के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे एज वेल एज ऑफ ESC, और कुछ भी डाउट्स है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में तो पूछते ही नहीं हो, तो मैं क्या करूं, नहीं पूछोगे तो मैं भी नहीं सॉल्व करूंगा, सामने से थोड़ी आऊंगा बोलूंगा हे डाउट्स बताओ, ओके ठीक है। तो चलो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम फाइनल चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज कंपनसेटर्स एंड कंट्रोलर्स, तब तक के लिए सबको थैंक यू।